Hey guys, this is Lama, फिर द्वारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज जो जानने वाले हैं सो दिस क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस यस, आप लोग के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम डेली रूटीन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, वट इज योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है, आज हम समझने वाले हैं और जानने वाले बहुत ही बेसिक तरीके। जी हाँ, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ डेली रूटीन। डेली रूटीन में आज आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको डेली रूटीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, नहीं आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे बेलकन घंटे को भी दबाना ना भूले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। सो वेल गाइस, तो चलिए आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले, सो टुडे आई विल बी डिस्कस डेली रूटीन। जी हाँ, व्हाट इज योर डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन क्या है, एंड वॉट ऑल डू यू हैव एवरी डे, आप प्रत्येक दिन क्या करते हो, है ना, वॉट ऑल डू यू हैव एवरी डे एंड वॉट इज योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है और डेली प्रत्येक दिन आप करते क्या 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 करते हो, वही तो आपकी डेली रूटीन है ना। तो चलिए सिंपली हम आज मतलब सो करके उठने से अपने क्लास तक के एंड करूँगा, है ना, लास्ट तक करूँगा सिंपली डेली रूटीन। तो चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा गाइस कि जब हमें तो रात को नींद आती है, मैं तो सो जाता हूँ, जब सुबह सबसे पहले मैं उठता हूँ तो सोने उठने से पहले, है ना, उठने से पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने आँख को ओपन करता हूँ, आइस को ओपन करता हूँ, है ना। सबसे पहले आप डेली रूटीन में करते हो क्या, उठने से पहले आप अपने आईज को ओपन करते हैं, ओपन माय आईज। सो माय डेली रूटीन इज दैट, फर्स्ट इज दैट माय ओपन माय आईज। देन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे खुशियाँ होती है, थोड़ा मतलब देखता हूँ ओहो न्यू डे। सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्माइल अ बिट आफ्टर दैट गाइस, स्माइल अ बिट, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, है ना, थोड़ा पूरा हम लोग मुस्कुरा लेते हैं। उसके बाद सिंपली हमने सबसे पहले हमने क्या कहा, आंखें ओपन किया, देखा स्माइल अ बिट किसके लिए, उसके बाद फॉर ड्यूटी के लिए, जब स्माइल करते हैं तो थोड़ा प्रणाम करते हैं। देखो चीज़ों को आपने खुद से बनानी है आपको, ठीक है, चीज़ें खुद से बनानी है। तो सिंपली आपको क्या, फोल्ड माई हैंड, है ना, फोल्ड करते हैं, हाथे जोड़ते हैं, स्माइल अप बीट, ओपन माय आईज, है ना, ओपन माय आईज, आफ्टर दैट स्माइल अप बीट फॉर अ न्यू डे, न्यू दिन के लिए हम लोग स्माइल थोड़ा करते हैं, एंड फोल्ड माय हैंड्स, अपने हाथ को जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं एक न्यू डे के लिए, है ना, न्यू डे के लिए, न्यू दिन के लिए हम लोग बहुत मतलब खुशियाँ मनाते हैं उस दिन के, नहीं आज हमारे तो दिन कट गई, एक न्यू डे की शुरुआत हुई, है ना, दैट्स व्हाई न्यू डे। सो नाउ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमने आंखें खोली, ओपन माय आईज, आफ्टर दैट स्माइल अ बिट, क्यों, फॉर अ न्यू डे, एक न्यू दिन के लिए, न्यू लाइफ के लिए, है ना, फॉर अ न्यू डे। एंड आफ्टर दैट फोल्ड माय हैंड्स, मैं अपने हाथ को जोड़ता हूँ और फॉर गॉड ब्लेसिंग प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, है ना। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गेट डाउन फ्रॉम द बैग, जहाँ पे हम लोग सोए हुए रहते हैं, गेट डाउन फ्रॉम द बैग, उस बेड से, उस सोए हुए जगह से हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं बेड से, ठीक ना, जैसे कि आप बोल सकते हो कॉट, खटिया बोलते हो, या एक बेड लगा हुआ रहता है उसको बोल सकते हो, सो गेट डाउन फ्रॉम माई बैड, अपने बैड से आप नीचे उतरते हो, देन नीचे उतरते हो, नीचे उतरने के बाद आप क्या करते हो, आफ्टर दैट गेट डाउन फ्रॉम माई बैड, उसके बाद आफ्टर दैट सर्च फॉर माई स्लीपर, क्या करते हो, सर्च फॉर माई स्लीपर,
आपकी स्लीपर मतलब आप जो चप्पल पहनते हो उसको थोड़ा सर्च करते हो, ढूंढ लेते हो कि मेरा, ओह माय गॉड, वेयर इज माय स्लीपर, वेयर इज माय स्लीपर, मेरा स्लीपर कहाँ है। तो उसके बाद आफ्टर दैट सर्च फॉर स्लीपर, है ना, गेट डाउन फ्रॉम बेड, गेट डाउन फ्रॉम माय बेड, देन सर्च फॉर स्लीपर। आपने जब अपने बेड से नीचे उतरते हो उसके बाद आप क्या करते हो, अपने सर्च करते हो मतलब ढूंढते हो, खोजते हो स्लीपर को पहनने के लिए, चप्पल को। ओके, एंड देन जब आप चप्पल पहन लेते हो उसके बाद नो उसके बाद आप क्या करते हो, स्ट्रेच माय बॉडी ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेच माय बॉडी, बॉडी को थोड़ा अंगड़ाई की बात है ना, स्ट्रेच माय बॉडी। आफ्टर दैट व्हेन फर्स्ट ओपन माय आईज, प्लीज रिपीट करता हूँ, ठीक, ओपन माय आईज, स्माइल अ बिट फॉर अ न्यू डे एंड होल्ड माय हैंड्स, ठीक ना, एंड देन गेट अप फ्रॉम माय बेड, गेट डाउन फ्रॉम माय बेड एंड सर्च फॉर स्लीपर एंड स्ट्रेच माय बॉडी, ठीक, स्ट्रेच माय बॉडी एंड देन सर्च फॉर स्लीपर। स्लीपर को जब हम लोग सर्च करते हैं भाई, जब हमने स्लीपर को सर्च कर लिया, पुट ऑन माय स्लीपर, उसके बाद क्या करते हैं, चप्पल को पहनते हैं पैर में, है ना, चप्पल को मतलब चप्पल को पैर में पहनते हैं, पुट ऑन माय स्लीपर। आफ्टर दैट गाइस पुट ऑन माय स्लीपर एंड देन हमने स्लीपर को पहन ली, पहन लेने के बाद कहाँ जाते हो, सो सिंपल, आप स्लीपर ये करने के बाद आई गो टू टॉयलेट सबसे पहला, या उसके बाद आप कर सकते हो आपके डेली रूटीन जो है आपके अपने अनुसार से, ठीक ना। आई गो टू टॉयलेट एंड देन टॉयलेट कर आई कम बैक, है ना, आफ्टर दैट फ्रॉम आई कम बैक, कहाँ से, टॉयलेट, फ्रॉम टॉयलेट आई कम बैक, फिर मैं टॉयलेट से बैक आता हूँ रूम पे एंड देन आफ्टर दैट क्या करते हो, जब टॉयलेट करके आते हो फिर जाते हो आई गो टू वॉशरूम, है ना, आई गो टू वॉशरूम, आई गो आफ्टर दैट आई गो टू वॉशरूम, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, ठीक ना, एंड देन उसके बाद आप हाथ को धोते हो, थोड़ा वॉशअप करते हो, है ना, सो वॉश अप माई हैंड, है ना, कैसे वो सब करते हो, अप्लाई करते हो साबुन का, अप्लाई करते हो, सो अप्लाई फर्स्ट आप क्या करते हो, अप्लाई सॉप ऑन माय हैंड एंड वॉश अप माय हैंड। अब फिर क्या करते हो, एक साबुन को लेते हो, अप्लाई साबुन करते हो, लगड़ते हो, सेक करते हो, ठीक ना, ऐसे लगड़ने का काम करते हो, उसके बाद आप अप्लाई साबुन जैसे अप्लाई करते हो उसके बाद आप वॉशअप कर दो, हाथ के धोते हो अच्छी तरह से वाटर में, पानी में मिला करके आप हाथ को अपना धोते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज आफ्टर दैट देन आप ऐसे भी यूज करते हो, देन फिर मैंने ये किया, आफ्टर दैट दिया उसके बाद मैंने ये किया, ठीक ना, देन आफ्टर दैट, और उसके बाद तीन चीज़ें आपको यूज करने को मिलता है, सबसे पहले तो देन कि देन फिर मैंने ये किया, आफ्टर दैट उसके बाद मैंने ये किया, या एंड छोड़ करके आप चीज़ों को बोल सकते हो, एंड एंड आई गो टू वॉशरूम, एंड आई गो टू एवरीथिंग। सो बेस्ट रहेगा कि सर मतलब आपको एंड देन और एंड मतलब आफ्टर दैट को तीनों को जोड़ के चलना है, तभी तो आपकी सेंटेंस स्टैंडर्ड बनेगा, है ना, तभी तो आपकी मतलब सेंटेंस जो बनेगा थोड़ा स्टैंडर्ड बनेगा, नहीं सर। तो सिंपली गाइस उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद करते हो जब आप आपने अप्लाई किया साबुन अपने हैंड में, आपने वॉशअप किया, हाथ को धोया, फिर आप क्या करते हो, कम बैक, आई कम बैक इन माई रूम, ठीक ना मैं आने के बाद आप क्या करते हो, फिर दोबारा आप कुछ कपड़े को कलेक्ट करते हो आप स्नान करने के लिए जाने के लिए, ठीक है, कुछ कलेक्ट माय क्लॉथ्स, सम कलेक्ट माय क्लॉथ्स, कुछ कपड़े आप कलेक्ट करते हो, सोचते हो मतलब ये चीज़ें मुझे ले जानी है स्नान करने के लिए, ठीक है, फिर आप यू आई गो टू टेक टू बाथ, है ना, आई गो टू टेक टू बाथ, हम लोग क्या चलते हैं स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक, कुछ टॉवल होते हैं, कपड़े होते हैं, वो चीज़ें हम लोग हैंग अप करते हैं, एंड आफ्टर दैट हैंग अप माय क्लॉथ, है ना, फिर हैंग अप करते हैं, टांग देते हैं, टांगने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, पानी हम लोग लेते हैं, है ना, अपने शरीर पे एंड अप्लाई द वाटर ऑन माय बॉडी, है ना, अप्लाई करते हैं पानी का अप्लाई करते हैं, क्या, कब, व्हेन आई गो टू टेक टू वॉथ, ठीक ना, व्हेन आई गो टू टेक टू बाथ That times I apply water on my body, ठीक ना, तब हम लोग उस समय अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करते हैं, ओके, नाउ जब हमारे फिनिश हो जाते हैं, देन आई हैव फिनिश
I take a bath and then I come back in the room and then क्या करते हो? क्या ये क्या? उस after that या सर्च कुछ चीज़ें ऐसे करते कपड़े का जैसे न्यू क्लॉथ आपको पहननी है एंड जब क्या करते उसके बाद पुट ऑन माई क्लॉथ आफ्टर दैट पुट ऑन माई क्लॉथ क्लॉथ को पहनने के बाद आप रेडी हो तो बी रेडी आफ्टर दैट बी रेडी फॉर कॉलेज के लिए फॉर स्कूल के लिए फॉर न्यू जॉब के लिए फॉर न्यू ड्यूटी के लिए है ना तो फॉर आप जॉब के लिए चले जाते हो जब पूरी चीज़ें हो जाती है उससे पहले इसके बीच में आप कुछ खाना पीना खा लेते हो सगाई हो तो उसके बाद आफ्टर दैट I take to tea, I have tea भी पी लेते हो I think मेरे साथ and have a breakfast है ना ऐसी चीज़ें आप कर लेते हो उसके बाद आप चले जाते हो अपने ड्यूटी पे देन आपने कुछ समय कुछ घंटे आपने ड्यूटी की आपने वर्क किया after that sometimes आपने क्या किया कि few hours कुछ समय आपने वर्क किया वर्क करने के बाद आफ्टर दैट आई कम बैक फिर कहाँ आई कम बैक होम घर आ जाते हो फिर आप क्या करते हो शाम को उसके बाद फिर आपके डेली रूटीन हो जाते आफ्टर दैट आई गो टू उसके बाद मुँह धोने चले जाते हो स्प्लेस वाटर इनटू माय आईज स्प्लेस वाटर इनटू माय एंड आफ्टर दैट तुरंत चले तो आप मुँह फास्ट करते हो धोते हो आँख में पानी मारते हो स्प्लेस वाटर इनटू माय आईज आपने आँख में पानी मार दो फिर यू कम बैक अगेन उसके बाद फिर दोबारा आप बैक है जाते हो अगेन एंड देन सीट कुछ समय के लिए समटाइम्स के लिए कुछ समय के लिए आप बैठ जाते हो बेड पे बैठ जाते हो उसके बाद आफ्टर दैट सम टेक टू फूड ईट है ना टेक ईट एवरीथिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर सो ये था हमारा डेली रूटीन है ना गाइस तो सिंपली आपको ये चीज़ें होनी चाहिए फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट गई कि उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए गए होंगे तो पढ़ाई किए होंगे ऑटोमेटिक एश्योर है आप जॉब करने के लिए गए तो वहाँ पे जॉब ही किया आपने ठीक ना ये सारी चीज़ें उसके बीच में आ गया अब रही बात इसमें कौन से ऐसे चीज़ें छूटा है कि आपको लगता है कि डेली रूटीन हमारा नहीं आया नहीं है तो सबसे पहले आपको करना कि आफ्टर दैट देन और एंड को तीनों को जोड़ के चीज़ों को बनानी है जो चीज़ें नहीं आप कमेंट में हमें बता दीजिए मैंने आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उसको मैं अच्छी तरह से बताने के लिए चाहूँगा और मुझे जोड़ो और कमेंट करके आप बताइए कि किसके ऊपर और वीडियो मुझे बनानी चाहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी समझ में आ जाए ठीक है तो आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंड कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आज हमारा डेली रूटीन के ऊपर था और ये हम क्लास को लेंगे 27 डे का जी हाँ 27 ये आज हमारे इंग्लिश स्टूडेंट के डेली रूटीन के ऊपर था क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें दिखते आ जाती है डेली रूटीन जानना बहुत ज़रूरी था मैं क्या करता हूँ दिन भर मैं कैसे करता हूँ कैसे उठता हूँ सोता हूँ बिल्कुल तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी थी तो चलिए फिर ऐसे वीडियो में लेकर के आते रहूँगा आप लोग के सामने और अभी तक मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक और न्यू हमारे यूट्यूब चैनल है जो हम ब्लॉग के ऊपर वीडियो बनाते हैं सो उस वीडियो को भी आप जा करके जरूर देख सकते हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लाल मोहन अपडेटेड ठीक है लाल मोहन अपडेटेड आप वहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं मैं ब्लॉग की वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को भी आप लोग सहायता कीजिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस ताकर कि मैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ बता पाऊँ और सिखा पाऊँ सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक टेक बाय बाय अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे